क्वेश्चन नंबर 14 इन फिगर नेम द फॉलोइंग एंगल्स फर्स्ट वी हैव ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल चिल्ड्रन मोर देन 90 डिग्री सो वर्टिकल अपोजिट एंगल इफ यू डू नॉट हैव दिस लाइन देन यू आर गेटिंग योर वर्टिकल अपोजिट एंगल सो ए ओ बी एंड डी ओ सी दे आर एक्यूट एंगल्स देन ए ओ डी एंड बी ओ सी दीज आर ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल सो ए ओ डी एंड बी ओ सी हैव रिटन सेकेंड पार्ट एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सो चिल्ड्रन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम इज 90 डिग्री सो हियर वी आर गेटिंग दीज टू एंगल सम इज 90 डिग्री सो वी आर टेकिंग एंगल ए ओ बी एंड ए ओ ई ए ओ ई एंड ए ओ बी दे आर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थर्ड पार्ट इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स सम इज 180 डिग्री इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर इज हेयर ओनली अ लाइन बी डी सो वी आर टेकिंग एंगल बी ओ ई दिस इज 90 डिग्री ई ओ डी दिस इज 90 डिग्री सो दे आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल ई ओ बी एंड ई ओ डी फोर्थ पार्ट इज हेयर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल Unequal supplementary angles means sum is 180 degree. So we are using this line AC. On this line AC, you are getting angle AOE and EOC. These two angles are supplementary angles. So we are writing here AOE, EOC. You can write it as EOA, EOC. Then, second we are using unequal supplementary angle. A O B and B O C, A O B and B O C, they are unequal supplementary angle. Fifth part is here. Adjacent angles do not form linear pair. Now we are not going to use linear pair. We are going to find adjacent angle means they have common vertex, they have common arm, and no common arm are on either side of common arm. So first we are taking adjacent angle. This is the common arm. So we are using AOB and AOE, AOB and AOE. Second pair we are taking AOE and EOD. They are adjacent angle. Third we are using EOD and DOC. They are adjacent angle but not supplementary.